हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाउस यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट स्पोर्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने दोबारा से, जो कि एक बैडमिंटन रैकेट है, योनेक्स का, योनेक्स नैनोरेड D1। इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस परफॉर्मेंस जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है मोनीश, तो स्टार्ट करें। ये भी एक नैनोरे सीरीज का ही रैकेट है, तो इसका कवर भी नैनोरे, जो कवर हमेशा सेम होता है नैनोरे सीरीज का, जो मैं पहले रिव्यू कर चुका हूं, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कवर है। तो आज हम सीधा बैडमिंटन रैकेट पे आएंगे। ये है हमारा बैडमिंटन रैकेट। ये बैडमिंटन रैकेट के अंदर जो पहली चीज है वो है इसकी डेमो स्ट्रिंग्स। ये रैकेट डेमो स्ट्रिंग्स के साथ में मुझे मिला था। इसके अलावा जो इसका हेड है वो HM ग्रेफाइट का बना हुआ है। टेक्नोलॉजी आइसोमेट्रिक यूज की गई है, जो एक काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है योनेक्स बैडमिंटन रैकेट के अंदर। इसके अलावा जो इसका रैकेट का हेड है वो काफी लाइट वेट हेड है। साथ ही साथ जो शाफ्ट है वो इस रैकेट का नैनोमेश कार्बन नैनो ट्यूब से बना हुआ है। कलर भी काफी अच्छा है, व्हाइट कलर के साथ साथ यहाँ पे ऊपर जो कंपनी ने कवरिंग दी हुई है वो लाइट ब्लू कलर की कवरिंग दी हुई है। तो व्हाइट नीचे, फिर नीचे लाइट ब्लू, बीच में व्हाइट, ऊपर लाइट ब्लू। तो लाइट ब्लू और व्हाइट का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है ये रैकेट। इसके अलावा इसका वेट जो है वो 3U कैटेगरी में लाया करता है, मतलब 85 ग्राम से लेकर 89.9 या 90 ग्राम तक आप बोल सकते हैं, इसके बीच में ही इसका वेट आएगा। इसके अलावा जो रैकेट की टेंशन है वो टेंशन है 19 से 24 LBS तक, जिसमें 19 LBS सबसे लोएस्ट टेंशन है और 24 सबसे हाईएस्ट है। इसका जो ग्रिप साइज है वो है G4 ग्रिप साइज एक स्टैंडर्ड ग्रिप साइज होता है, जो ज्यादातर कंपनी अपने रैकेट में यूज करती है, क्योंकि सब लोगों को कंफर्टेबल रहता है, सब लोगों के हाथ में इजीली एडजस्ट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इस रैकेट की परफॉर्मेंस की और देखते हैं कि ये रैकेट कैसा परफॉर्म करेगा। जो पहली चीज है वो है इस रैकेट का इंटरमीडिएट, बिगनर टू इंटरमीडिएट होना। मतलब अगर आप एक बिगनर प्लेयर हैं और इंटरमीडिएट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जस्ट बिगिन कर रहे हैं इंटरमीडिएट प्ले में जाने के लिए, तो ये रैकेट आपको सूट करेगा। हाई लेवल के इंटरमीडिएट रैकेट्स भी आते हैं दोस्तों, बट ये एक बिगनर इंटरमीडिएट रैकेट है, मतलब बिगनर भी खरीद सकते हैं, इंटरमीडिएट प्ले के लिए भी लोग ले सकते हैं, काफी सही रहेगा। ये एक रैकेट डिफेंसिव रैकेट है। मैं ये नहीं कहता कि अटैकिंग आप इससे नहीं कर सकते हैं, अटैकिंग कर सकते हैं, बट डिफेंसिव बेस्ट है इस रैकेट का, डिफेंसिव प्ले के लिए बेस्ट रहेगा। इसका जो वजन है वो मैंने आपको बताया था पहले कि 3U कैटेगरी में लाया करता है, 85 टू 90 ग्राम्स के बीच में इसका वजन वे करता है, जो कि मेरे हिसाब से एक एवरेज वजन है। इसको हैवी भी नहीं बोल सकते हैं, लाइट भी नहीं बोल सकते हैं। कोई भी रैकेट अगर 3U 4U कैटेगरी में लाया करता है, जिसका वजन 80 ग्राम से 85 ग्राम के बीच में या 85 ग्राम से 90 ग्राम के बीच में लाया करता है, तो वो एक एवरेज वजन कहलाता है, ना बहुत ज्यादा हैवी ना बहुत ज्यादा लाइट। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो है आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी काफी हद तक स्ट्रिंग्स की जो वर्टिकल स्ट्रिंग्स होती है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स होती है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल कर देती है, जिससे स्वीट स्पॉट एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जिससे शॉट्स तो बढ़िया हो जाते हैं, साथ में रैकेट की परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली बढ़ेगी ही बढ़ेगी जब शॉट्स अच्छे हो जाएंगे। तो साथ में जो इसका मटेरियल इसके अंदर यूज किया गया है वो है नैनोमेश कार्बन नैनो ट्यूब, जो इस फ्रेम के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे इस फ्रेम को टफनेस मिलती है, स्टिफनेस मिलती है, ड्यूरेबिलिटी मिलती है। और बात खाली ड्यूरेबिलिटी की नहीं होती है दोस्तों, बात यह भी है कि रिपल्शन पावर रैकेट की काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है इस मेटल का यूज करने के साथ साथ, इसलिए कंपनियां इस मेटल को यूज करती हैं और आगे भी शायद करती रहेंगी काफी रैकेट के साथ में। ये एक डेमो स्ट्रिंग्स के साथ मुझे मिला था, तो डेमो स्ट्रिंग्स के साथ मिलने का फायदा यह है कि इसमें आपको हैंड टू हैंड नई स्ट्रिंग्स नहीं करवानी पड़ेगी, बट नुकसान ये है कि परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती है। अगर आप दूसरी गट्स करवाएंगे जो मार्केट में अवेलेबल है, योनेक्स की काफी अच्छी गट्स अवेलेबल हैं, रैकेट भी बहुत बुरा नहीं है, तो इसमें आप अच्छी खासी गट करवा सकते हैं, परफॉर्मेंस आपकी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। इसका जो हेड वेट है वो काफी लाइट है, हालांकि 3U कैटेगरी के अंदर रैकेट लाया करता है 85 टू 90 ग्राम्स के बीच में, लेकिन हेड वेट लाइट होने की वजह से इस रैकेट के शॉट्स काफी बढ़ जाते हैं, काफी अच्छे शॉट्स देखने को मिलते हैं, स्पीड हो जाती है शॉट्स के अंदर, क्योंकि हेड वेट काफी लाइट हो गया है, तो उसके जो शॉट्स हैं वो काफी स्पीडी हो जाते हैं, काफी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इस रैकेट का बजट डिस्कस करेंगे। अब हम इस रैकेट का बजट है वो बजट है करीब करीब 2275 रुपए के आसपास। ये रैकेट आपकी इस बजट के आसपास इस रैकेट की MRP है। जो ये रैकेट आपको मार्केट में अवेलेबल होगा वो होगा करीबन 1800-1900 के आसपास, हो सकता है 2000 का भी मिल जाए, कई जगह हो सकता है 1700 का भी मिल जाए, ये आपकी मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात मैं बताना भूल गया था दोस्तों आपको, वो है इस रैकेट के ड्राइव शॉट्स। अगर आप ड्राइव शॉट्स खेलते हैं तो ये रैकेट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस रैकेट के ड्राइव शॉट्स बहुत ही कमाल के हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप ड्राइव शॉट्स लेते हैं तो ये रैकेट जरूर लीजिएगा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिव्यूज कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, जब भी मैं आपको किसी प्रोडक्ट का बजट बताता हूं तो मैं उसके दो बेस पे आपका बजट डिसाइड करता हूं, एक उसकी कंपनी की एमआरपी और एक उसका सेलिंग प्राइस। तो जो भी मैं आपको बताता हूं उसकी एमआरपी और सेलिंग प्राइस वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस एमआरपी और प्राइस को सीरियसली मत लीजिएगा।